दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि दोस्तों थंबनेल देख के आपको समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो स्किन केयर रिलेटेड वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, हम जितनी भी गर्ल्स होती हैं, चाहे वो मैरिड होती है अनमैरिड होती है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग को थोड़ी सी, हम सब लोगों की चाहत होती है कि हमारी स्किन जो वो सुंदर दिखे, ग्लोई दिखे, क्लियर दिखे, लेकिन होता क्या है दोस्तों, उसके लिए इतना हम कुछ करते नहीं हैं, मतलब इतना टाइम नहीं देते हैं। हम लोग क्या लगता है, चलो ठीक है, थोड़ा सा मतलब वो वॉश कर लिया है, कोई ऐसी फेयरनेस क्रीम लगा लिया तो हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट होते हैं जो डेली बेसिस पे हमको अपने स्किन के लिए जरूर यूज करना चाहिए, जिससे हमारी स्किन क्या होती है, नेचुरली धीरे धीरे क्लियर होती है, ग्लोई दिखती है, अच्छी लगती है। और दोस्तों क्या होता है, कोई भी चीज़ होता है तुरंत तो ऐसा होता नहीं, तुरंत लगाया हो गया, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें एक स्किन केयर एक रूटीन होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। और दोस्तों जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कुछ कि मैं सिर्फ ये मुझे प्रोडक्ट दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं डेली बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ, मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। और दोस्तों हम सभी लोग, मुझे लगता है हम सभी लोग, जितनी भी गर्ल्स हैं, सभी लोग, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो हाउसवाइफ हों, हम सभी लोगों को दोस्तों छोटा मोटा एक स्किन केयर डेली जरूर करना चाहिए। हम चाहे कितनी भी बिजी हों, हमें अपने लिए थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम जरूर निकालना चाहिए, और सुबह भी और रात में सोने से पहले भी थोड़ी सी स्किन केयर दोस्तों हमें जरूर करना चाहिए। और कोई भी चीज़ हो दोस्तों, चाहे वो कोई सामान हो, कुछ भी हो चाहे स्किन हो, अगर थोड़ी सी हम केयर करते हैं तो अच्छी तो लगती है ना दोस्तों। इसी तरह से हमें अपनी स्किन की भी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमें जरूर डेली लाइफ में हमें उसे जरूर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मेरा जो पहला जो एक स्टेप है, जो पहला वो है, वो है क्लींजिंग, जिसके लिए आपको जरूरी है कि आप कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज करें। जैसे मैं ये फेस वॉश यूज करती हूँ, ये प्लम का फेस वॉश है, और दोस्तों मेरी थोड़ी सी ऑयली स्किन है तो मैं ये वाला फेस वॉश यूज करती हूँ। आपकी स्किन जैसी भी हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, आप उस हिसाब से सेलेक्ट करें फेस वॉश, अच्छा सा कोई फेस वॉश। और दोस्तों इस फेस वॉश का फुल रिव्यू मेरे चैनल पे मैंने किया हुआ है, अगर आप देखना चाहेंगे, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए फेस वॉश बेस्ट है, आप ले सकते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाला फेस वॉश है, मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ इस फेस वॉश को। तो दोस्तों एक अच्छा सा फेस वॉश आप जरूर यूज करें सुबह शाम अपने, इससे आपकी सबसे पहले आपकी स्किन अच्छे से, जो भी आपकी स्किन पे अगर आपकी ऑयली स्किन है, कोई भी डर्ट है आपकी स्किन पे, तो अच्छे से क्लीन हो जाए। और दोस्तों जो सेकेंड स्टेप है जो मैं फॉलो करती हूँ, वो है ये रोज वाटर। यहाँ दोस्तों जो रोज वाटर होता है, ये एक्चुअली दोस्तों ये गुड वाइफ्स का है, इसका ऊपर का ये जो है ये जो स्टीकर है दोस्तों, मेरी बेबी है उसने निकाल दिया है इसको, बट ये गुड वाइफ्स का रोज ग्लो टोनर है। जी हाँ दोस्तों डेली बेसिस पे आपको एक टोनर भी अप्लाई करना चाहिए, और मुझे लगता है रोज वाटर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत जरूरी है। मैं इसे दोस्तों मैं डेली अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आप भी अपनी स्किन को, स्किन के हाइड्रेशन के लिए अच्छा सा रोज वाटर या एज टोनर के लिए आप जरूर यूज करें। और दोस्तों अगर आपको कोई दूसरा टोनर पसंद है, कोई दूसरा अच्छा लगता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसको भी आप जरूर अप्लाई करें। और दोस्तों मेरा थर्ड जो स्किन केयर प्रोडक्ट है वो है ये एलोवेरा जेल। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए कितना जरूरी है। हमारे एलोवेरा जेल से क्या होता है दोस्तों, हमारे स्किन में जो डार्क स्पॉट होते हैं, या हमारे स्किन में कुछ रिंकल्स होते हैं, तो इसको यूज करने से धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं, स्किन क्लियर दिखने लगती है। और दोस्तों एलोवेरा जेल हमारे हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि एक मैंने वीडियो बनाया है इस प्रोडक्ट के ऊपर, एलोवेरा जेल के ऊपर, कि एलोवेरा जेल जो है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें इसको डेली बेसिस में हमें दोस्तों जरूर शामिल करना चाहिए। थोड़ा सा एलोवेरा जेल हमें डेली हमें जरूर लगाना चाहिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और आजकल तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट में, चाहे मेकअप के हों चाहे स्किन केयर के प्रोडक्ट हों, सभी प्रोडक्ट में आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है कि इसमें एलोवेरा जेल इसमें इंक्लूड है। आप इसे समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस प्रोडक्ट का भी फुल रिव्यू मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा जो चौथा प्रोडक्ट है वो है कोई भी एक अच्छी सी क्रीम। जी हाँ दोस्तों, डेली बेसिस में क्या होता है कि हमें कोई भी एक अच्छी सी क्रीम यूज करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए एक मतलब मॉइस्चराइजर का काम करे, जिसमें थोड़ी सी SPF भी हो। जैसा कि मैं जो यूज़ करती हूँ वो सेंट बोटेंडिया का ये एंटी एजिंग क्रीम है, ये SPF 25 PA++ है, मतलब
इसमें दोस्तों क्या, इसमें एक्चुअली इसमें क्या है कि हमें बाहर तो जाना नहीं है, हम घर में रहना है दोस्तों। तो अगर आपको घर में रहना है तो SPF 20 या 30 तक जो SPF वाली क्रीम होती हो वो इनफ है आपके लिए। और दोस्तों अगर कोई एक ऐसी क्रीम है कि जिसमें आप मतलब वो मॉइस्चराइजर का भी काम करती है, वाइटनिंग सी है, उसमें SPF भी है, तो वो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों हमें इस तरह की कोई भी एक क्रीम जरूर लगानी चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ नहीं ठीक है मैं जो दिखा रही हूँ आप यही वाला क्रीम लगाओ आप, ठीक है आपको जो भी मॉइस्चर जो भी क्रीम अच्छी लगती हो, जो भी आपके स्किन को सूट करती हो आप वही अप्लाई करें। लेकिन दोस्तों एक अच्छी सी क्रीम आप जरूर लगाएं जिसमें ज़्यादा एक SPF हो और जो अच्छे से आपके, और दोस्तों जो एंटी एजिंग क्रीम होती है उसका मेन बेनिफिट ये होता है कि एक टाइम के बाद क्या होता है जब हमारी जो एज होती है जब हम 25 के या 30 के पार जाने लगते हैं तो थोड़ी सी हमारी स्किन क्या होती है दोस्तों लूज होने लगती है। तो उसको थोड़ा सा टाइट रखने के लिए, थोड़ा यंगफुल दिखने के लिए हमें एक एंटी एजिंग क्रीम जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों ये वाली जो क्रीम है मुझे अच्छी लगती है कि ये क्रीम थोड़ा सा मॉइस्चराइजर का भी काम करती है, इसमें SPF भी है, वाइटमिन सी क्रीम है, इसलिए ये क्रीम मुझे बहुत पसंद है। और दोस्तों मेरा जो लास्ट जो प्रोडक्ट है वो जो लास्ट जो स्किन केयर का प्रोडक्ट है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी नाइट क्रीम। जी हाँ दोस्तों रात में भी हमें एक, जैसा कि मैंने बताया आपको कि रात में भी हमें एक स्किन केयर करना चाहिए। सबसे पहले आपको सोने से पहले आप एक बार अपने अपने फेस को जरूर वॉश करें, उसके बाद एक आप टोनर लगाएं, जैसा कि मैंने आपको अभी रोज जो वाटर दिखाया जो कि उसे आप टोनर की तरह भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो रोज वाटर होते हैं बहुत महंगे नहीं आते हैं, आपको 200-250 में 150 में आपको रोज वाटर मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों एक अच्छी सी कोई आप नाइट क्रीम लगाएं, जैसा कि मैं ये ममा अर्थ का वाइटमिन सी स्लीपिंग मास्क है जो कि मैं अभी यूज कर रही हूँ। उसके पहले मैं दूसरा नाइट क्रीम यूज करती थी। दोस्तों सिर्फ दिन में ही नहीं रात में सोते समय भी हमें हमारे स्किन को एक हाइड्रेशन की जरूरत होती है, इसके लिए हमें अच्छी सी कोई नाइट क्रीम जरूर अप्लाई करना चाहिए। और दोस्तों मैंने पांचों प्रोडक्ट जो भी मैंने आपको जो भी मैंने स्किन केयर के जो भी प्रोडक्ट बताए हैं ये सारे प्रोडक्ट अप्लाई करने से दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे स्किन पे ये वर्क करते हैं, धीरे धीरे हमारी स्किन क्लियर दिखती है, ग्लोई अच्छी दिखती है। तुरंत कोई चीज़ नहीं होता है, थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगी कि मैंने जो भी सारे प्रोडक्ट बताए हैं वो डेली बेसिस में आप जरूर यूज करें। अच्छा सा फेस वॉश, अच्छा सा कोई रोज टोनर, एक एलोवेरा जेल भी आपके पास जरूर होना चाहिए जो कि हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी से कोई क्रीम भी हमें जरूर लगानी चाहिए जो कि हमारे पास हमारे लिए मॉइस्चराइजर का और एक SPF भी वो काम करे, और एक दोस्त और लास्ट जो है वो नाइट क्रीम। तो दोस्तों ये पांचों प्रोडक्ट आप अपने डेली बेसिस पे जरूर अप्लाई करें अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्किन अच्छी दिखे, बढ़िया सुंदर दिखे, अच्छी दिखे और नेचुरली रूप से उसमें चमक आए हमारी स्किन में। तो दोस्तों ये पांचों प्रोडक्ट हैं जो डेली बेसिस पे अगर आप फॉलो करेंगे, आप अप्लाई करेंगे तो आपको आपके स्किन में एक समय बाद जरूर फर्क दिखेगा, जरूर आपकी स्किन अच्छी दिखेगी। और दोस्तों मैंने जो भी आज आपके साथ शेयर किया ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनली सारे स्किन केयर प्रोडक्ट को यूज करती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बताने के लिए दिखा रही हूँ, मैं हमेशा सारे प्रोडक्ट को डेली, मैं चाहे मैं कितनी भी बिजी रहूँ मैं थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम मैं अपने लिए अपने स्किन के लिए जरूर निकालती हूँ। और मुझे लगता है जितनी भी गर्ल्स हैं हम सभी लोगों को थोड़ा सा स्किन केयर जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, एक थोड़ा सा ये रिक्वेस्टेड वीडियो भी था। मेरी एक सब्सक्राइबर मेरी एक जो कि मेरी फ्रेंड है उसने मुझे बोला कि हाँ कि यार एक स्किन केयर से रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ। तो दोस्तों मुझे लगा कि हम मुझे आपके साथ थोड़ा सा अपना एक स्किन केयर का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहिए, और वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करें, और मेरी आगे की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।